नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष एंड आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एमडीयू डिस्टेंस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो डिस्टेंस में, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो लाइक बीए बीकॉम आप करना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो लाइक एमए आप करना चाहते हो, एमएससी आप करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, तो भी उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, राइट। पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, राइट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एमडीयू की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको विजिट करना होगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा सीडीओई एडमिशन न्यू स्टूडेंट, राइट। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जितने भी कोर्सेज के आपके एडमिशन अभी फिलहाल चल रहे हैं सभी के यहाँ पे डेट्स आपको दिख रही होंगी, सेमेस्टर आपको दिख रहे होंगे कि भाई अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेना चाहते हो, अपने फर्स्ट ईयर अभी कर लिया है, सेकंड ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी फीस पे करना चाहते हो तो भाई वो भी आप कर सकते हो। एंड फाइनल ईयर की फीस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। डेट यहाँ पर दे दी है भाई 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, बट यहाँ पे जो आपको डेट दिख रही है ये है विद लेट फीस लास्ट डेट है, राइट। यहाँ पे आपको 31 मार्च तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 5,000 लेट फीस आपको देनी होगी। तो अगर आप लेट फीस से बचना चाहते हो तो भाई 8 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, फीस पे कर लेना, तब आपकी कोई भी लेट फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, राइट। अब चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्लिक है टू अप्लाई पर सिंपली क्लिक करना होगा। एंड भाई अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पे डिटेल सेंड करनी है जो भी फॉर्म आप फिल करवाना चाहते हो, चाहे वो एमडीयू का एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर रीअपीयर फॉर्म है या फिर जॉब का कोई आपका फॉर्म है तो वो भी आप हमसे अपना फिल करवा सकते हो, राइट। उसके आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, सिंपली आपको वहां पे मैसेज करना है जो भी आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो उसकी डिटेल आपको सेंड करनी होगी। एंड उसके बाद आपके जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो आपसे मांग लिए जाएंगे। एंड डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपका कंप्लीट जो फॉर्म है वो फिल कर दिया जाएगा, राइट। एंड जो भी प्रीव्यू फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म सबमिट होता है तो उससे पहले एक प्रीव्यू का पेज आता है वो आपको दिखा दिया जाएगा कंफर्म के लिए कि भाई जितनी भी डिटेल्स हमने फिल की हैं सभी सही हैं, सभी जो कंफर्म होने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होगी एंड जल्दी ही आपका फॉर्म जो फिल करके आपको दे दिया जाएगा, राइट। सो अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आपको मैसेज करना है। एंड चलिए बात करते हैं आपके फॉर्म के बारे में कि भाई एमडीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट का लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट विदाउट एमडीयू रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे है ओल्ड स्टूडेंट विद एमडीयू रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भाई अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स एमडीयू से किया है तो आप यहाँ पे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। बट अगर आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है बट उससे नहीं हो रहा तो भी आप न्यू पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अब सिंपली यहाँ पे आपको ना फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एक ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे अभी ओटीपी में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। सिंपली आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप सबमिट करोगे तो वहां पे आपको कुछ एक बेसिक डिटेल फिल करनी होंगे लाइक आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एक पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना होगा। कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो लाइक आपका नाम @123 कुछ इस तरह का आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद एक जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, राइट। एक यूजर आईडी आपको मिल जाएगी, वो यूजर आईडी आपको कॉपी कर लेनी है, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा एंड उस यूजर आईडी से आपको दोबारा से अपनी प्रोफाइल जो है वो आपको लॉगिन करनी है, राइट। लॉगिन कैसे करनी है, लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको इसी पेज पे आ जाना है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना है। सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के और यहाँ पे देखिए आपको क्लिक करना होगा न्यू कैंडिडेट पर, राइट। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ओल्ड स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना होगा। मेरे पास न्यू रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड उसके बाद लॉगिन यहाँ पे सिंपली इसको कर लूंगा, राइट। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा होगा, राइट, जो कि आपका बायोमेट्रिक का। सिंपली आपको क्लिक है पे क्लिक करना होगा दोबारा से, आपको सारे स्टेप वन बाय वन कंप्लीट करने होंगे अपने, तो वन बाय वन यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी फोटो से अपलोड करनी है, फोटो का जो साइज है वो 30 KB से 100 KB के बीच आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रैंडम कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, बट आपको बिल्कुल ध्यान से अपने फोटो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। पहले चूज फाइल पर क्लिक करना है, चूज करके फाइल को यहाँ पे अपलोड एंड एडिट सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर देना है, राइट। इसी तरह से आपको थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब यहाँ पे लिखा हुआ है तो भाई लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई एक आईडी यहाँ पे अपलोड करनी होगी लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर फैमिली आईडी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको दोबारा से ये सारी चीजें सेव करने के बाद दोबारा से बैक वहीं पे आपको आ जाना है। देखिए यहाँ से आप आ सकते हो अपनी प्रोफाइल पे वापस से,
उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल डाली है, बेसिक सी डिटेल्स है, जैसे आपका नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, आप कहाँ के रहते हो, आप रेजिडेंस क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है। एनुअल इनकम आपको वही डालनी है जो आपकी फैमिली आईडी में, कोई भी आपको अपनी मर्जी से नहीं डालनी है। उसके बाद भाई ये जो बेसिक की डिटेल्स है ये आपको डाल लेनी है, आधार कार्ड का नंबर डाल लेना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है आपकी वो यहाँ पे चूज करनी है, राइट। यहाँ पे एआईयू का मतलब भाई आप हरियाणा से नहीं हो, हरियाणा के बाहर आप कहीं भी रहते हो तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। अगर आप हरियाणा में हो, जनरल कैटेगरी आपकी है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। हरियाणा से हो, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपको देख लेना भाई किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। एंड सेव एंड अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका बचता है वो है भाई आपका क्वालिफिकेशन का। देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। एंड दोबारा से आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको डिटेल्स डालनी है। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10th और 12th दोनों की डिटेल आपको डालनी होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी डालनी होगी। अब काफी बच्चों की मार्कशीट नहीं आई होगी, रिजल्ट नहीं आया होगा, तो भाई वो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड करके इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, राइट। तो भाई आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीटली फिल करनी होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, राइट। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, देखिए एड क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपका लेवल है, यहाँ पे आप 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप ऐड करना चाहते हो क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करना है कि भाई आपने कौन से बोर्ड से की है, HBSE है, CBSE है, कोई भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अगर आप 12th में आप डिटेल्स डाल रहे हो तो आर्ट, कॉमर्स, फिर नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो भी आपके पास प्रोग्राम था वो आपको यहाँ पे सिंपली डालना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपका आ जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको मार्कशीट पे मिल जाएंगी, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्कूल का नाम आप डाल लेना है, आपको ईयर ऑफ पासिंग के भाई आपने कौन से ईयर में पास किए थे, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप डाल रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, नंबर कितने हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। एंड देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पास का, बट अगर मान लीजिए आप यहाँ पे करते हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप करते हो तो भी आपको यहाँ पे पास का ही ऑप्शन दिखेगा, राइट। तो अगर आपका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है तो अभी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको वेट करना होगा, राइट। तो वैसे डिटेल्स आपको ऐसे फिल कर लेनी है एंड उसके बाद अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें अप्लाई करना है कोर्स के लिए। तो देखिए काफी बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपके यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन शो कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दोबारा से अपनी प्रोफाइल आपको लॉग आउट करनी है। एंड उसके बाद दोबारा से अपनी प्रोफाइल आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पे बाकी के जो भी ऑप्शन है वो आपको शो होने लगेंगे, राइट। तो चलिए एक बार लॉग इन कर लेते हैं दोबारा से। अब देखिए जैसे मैंने प्रोफाइल को दोबारा लॉगिन किया तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और शो करने लगा है जो कि है न्यू एडमिशन 2022-23, राइट। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे आप क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद अब ये स्टेप आपको क्लियर जो कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे अगर आपका कोई गैप है तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। उसके अलावा देखिए सर्टिफाइड दैट आई हैव पास माय क्वालिफिकेशन एग्जाम चेक हेयर टू सिलेक्ट योर फी कैटेगरी, तो ये बॉक्स आपको क्लिक कर लेना है अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हो। जैसे मैं मान लीजिए मैं जनरल फीस है तो भाई यहाँ पे मेरे को जनरल फीस सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल आप सेव कर दोगे, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके रिजर्वेशन वगैरह जो भी है, हरियाणा डोमिसाइल है या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप है, जनरल फीस है, जो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिजर्वेशन का, अगर कोई भी नहीं है आपके पास तो नोट एप्लीकेबल क्लिक करके आपको प्रोफाइल को यहाँ पे सेव कर देना है, राइट। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने कोर्स चूज करने होंगे। अब जैसे मैंने 12th की डिटेल्स यहाँ पे फिल की है, 10th और 12th की, तो भाई मैं सिर्फ एलिजिबल हूँ अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, राइट। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स वहाँ पे ऐड कर दोगे क्वालिफिकेशन में तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, राइट। तो मान लीजिए मैंने 12th तक डिटेल की थी तो भाई अंडर ग्रेजुएशन के मैं अप्लाई करूंगा, अंडर ग्रेजुएशन पे जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो पेज अपने आप रिफ्रेश होगा। एंड उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन और आ जाएगा जो कि होगा बीए एंड बीकॉम के लिए। अब मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूं वो मेरे को यहां पे चूज करना होगा, राइट। एंड उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे पास 12th में इंग्लिश थे और मेरे 33% 12th में थे, तो मैं इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे क्लिक हियर टू सेव प्रोग्राम पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम सिलेक्ट किया बट मेरे को यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, बट तीनों ही बीए के लिए हैं, तो आप किसी भी फीस यहाँ पे कर सकते हो, राइट। आपको डिलीट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एक को डिलीट करोगे तो तीनों आपके डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो डिलीट नहीं करना आपको कुछ भी, यहाँ पे तीन यहाँ पे शो कर रहा है, दो शो कर रहा है, आपको छोड़ देना है।
अब आपको क्या करना है, देखिए क्लिक हेयर टू बुक सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप बीए में क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी चूज किए हुए हैं, आपको करके बता देता हूँ दोबारा से कैसे करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, आपको एक सब्जेक्ट ग्रुप ए से लेना है, एक सब्जेक्ट आपको ग्रुप बी से लेना है, और बाकी की जो तीन सब्जेक्ट है लाइक आपका इंग्लिश, हिंदी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है राइट। तो मेरे को यहाँ से दो सब्जेक्ट और लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्रुप ए पे क्लिक करूंगा। एंड क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ग्रुप ए में तीन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हम बोलते हैं वो है। तो भाई तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक मेरे को हिस्ट्री लेना है तो मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा एंड सेव सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा राइट। तो इस तरह से मेरा सब्जेक्ट जो बुक हो जाएगा मेरे लिए। एंड यहाँ पे देखिए मेरे पांच सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो जब आप सेकंड ईयर में हो जाओगे तो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये हट जाएगा राइट। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपके चार सब्जेक्ट रहते हैं और फर्स्ट ईयर में आपके पांच सब्जेक्ट रहते हैं राइट। अब इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको चूज करना है आपका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आप बिल्कुल ध्यान से अपना सिलेक्ट करना, अगर मान लीजिए आप गलत सिलेक्ट कर देते हो या फिर आप ऐसा सेंटर सिलेक्ट कर देते हो जहां पे आप एग्जाम देना नहीं चाहते तो भाई ये बाद में चेंज नहीं होता, तो बिल्कुल ध्यान से आपको चूज करना होगा। अभी यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि एग्जाम सेंटर नॉट एप्लीकेबल, बट आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे शो कर देगा, अगर नहीं करता है तो आप कुछ टाइम के बाद सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जैसे रोहतक है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, झज्जर है, कुछ इस तरह के सेंटर आपको शो करेगा, उसमें से आपको एक चूज कर लेना है राइट। चूज करने के बाद आपको उसको सेव कर देना है एंड उसके बाद आपको आ जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अब यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब भाई डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप हरियाणा से हैं, तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होंगे, लाइक आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना होगा राइट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा राइट। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना पड़ सकता है। तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे राइट। उसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो भाई जो भी आप अप्लाई करोगे सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो कर देगा, जैसे यहाँ पे अभी शो कर रहा है हरियाणा डोमिसाइल राइट। तो मेरे को यहाँ पे हरियाणा डोमिसाइल अपलोड करना होगा। अब अपलोड कैसे करना है वो आप समझ लीजिए, आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे। अब 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ये आपको अपलोड करने हैं तो आपको जाना होगा एकेडमिक पर राइट। उसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर मान लीजिए डोमिसाइल है, उसके लिए आपको क्लिक करना होगा अदर पर। मैं आपको करके दिखाता हूं, अदर पर आप सिंपली क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोबारा से पेज रिफ्रेश होगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और आपके पास आ जाएगा जो कि होगा आपका हरियाणा डोमिसाइल का या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का। आपको सिंपली इसको चूज कर लेना है एंड वे चूज करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको नाम डालना होगा कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो। तो मैं डोमिसाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो डोमिसाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपकी फाइल है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। फाइल का साइज मैं आपको बता देता हूँ, 250 KB से लेकर 300 KB के बीच आपका फाइल का साइज होना चाहिए। तो चलिए पर साइज का जो फाइल है वो अपलोड कर लेते हैं। अब देखिए आपको अपलोड कैसे करना है, अब आप मान लीजिए अपने फाइल यहाँ पे चूज कर ली एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक कर दिया राइट। क्लिक करने के बाद आपका अपलोड डॉक्यूमेंट हो चुका है, यहाँ पे लिखा भी आ गया कि भाई आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। बट इसके बाद भी आपको एक स्टेप करना होगा जो कि है यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेव अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका कोई भी अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होगा राइट। तो भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस जो ये ऑप्शन है इस पे भी आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड होगा राइट। तो ये भी आपको कर लेना है एंड उसके बाद जो आपके ऑप्शंस रहते हैं भाई, आपने हमने बुक कर लिए, सब्जेक्ट बुक कर लिए, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो अब आपका ऑप्शन आता है पे फीस का। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना पे फीस पे, आपका कोर्स यहाँ पे शो कर देगा, क्लिक हेयर पे आपको अप्लाई कर लेना है एंड यहाँ पे मेरी फीस जो है वो यहाँ पे शो कर दिया है इसने 8,500, लेकिन जो हमारी प्रोस्पेक्टस में फीस थी वो थी 8,100, मतलब 8,100 फीस थी, बट यहाँ पे जो 400 रुपए है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे शो कर रहा है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फॉर्म गलत फिल कर दिया, फिर मैंने कोई गलत ऑप्शन चूज कर दिया, इट्स मीन कि भाई जो जो कुछ एक हिडन चार्जेस थे जो आपको यहाँ पे करने होंगे राइट। तो भाई आपको जो फीस है वो यहाँ पे करनी होगी। फीस कैसे पे करनी है, आपको सिंपली इन सभी बॉक्सेस में क्लिक करना होगा एंड देखिए अगर मान लीजिए आपकी फीस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको दोबारा से पेज को रिफ्रेश कर लेना, प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना दोबारा से लॉग आउट करके, या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई कॉलम यहाँ पे जो इनकम्प्लीट रहता है तो वो भी आपका यहाँ पे शो कर देगा कि भाई आपकी आपने सब्जेक्ट बुक नहीं किए हैं, आपने एग्जाम डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं किया है, तो जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका शो कर देगा राइट। एंड अगर मान लीजिए आपका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो नहीं करता, आपके पास ऑप्शन नहीं मिलते, तो जो आपका एड्रेस है लाइक मान लीजिए आपका भिवानी का एड्रेस है, तो आपका जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट होगा जो भी आपकी जो असाइनमेंट वगैरह होंगे वो सब आपके रोहतक में होंगे राइट। तो एमडीयू खुद आपके नियर में जो भी सेंटर होगा वो अपने आप आपको अलॉट कर देता है। तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम सेंटर आपको ऑप्शन नहीं मिलते तो भाई कुछ इस तरह से आपके जो सेंटर है वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं राइट। अब सभी बॉक्सेज में आपको क्लिक कर लेना है, कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है एंड भाई आपका जो फीस का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा राइट। अब फीस के लिए आपको क्या करना होगा,
इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ्री चार्ज या एनईएफटी आप कर सकते हो। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से फीस अपनी पे करते हो तो वहां पे आपको वीजा या मास्टर कार्ड आपके पास होना चाहिए, राइट। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस तरह से अपना फॉर्म जो वो फिल कर सकते हो। लास्ट टाइम जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे वो आपके फैमिली आईडी के थ्रू हुए थे, फैमिली आईडी का नंबर आप डाल रहे थे, उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी बेसिक सी डिटेल्स थे आपके नाम था फादर ने वो आपके अपने आप यहाँ पे उठा लेता था। बट अब की बार आपको खुद से अपने फिल करने होंगे। तो भाई जो लास्ट टाइम का अगर आप वीडियो देख के फॉर्म फिल कर रहे हो तो हो सकता है कुछ गलती आपसे हो जाए। तो लेटेस्ट वीडियो मैंने बना दी है, कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।